प्रदेश सरकार के निर्देश पर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत बेसिक शिक्षा विभाग में 31,277 पदों के सापेक्ष भर्ती के लिए जनपद में 599 पदों के लिए बुधवार को बीएसए कार्यालय में सुबह 10 बजे से काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हुई। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों की जांच डाइट परिसर स्थित रविंद्रालय, रानी लक्ष्मीबाई एवं राधा कृष्णन हॉल तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में की गई। गौरतलब है कि जनपद में कुल 599 शिक्षक पदों पर भर्ती होनी है। इसमें 256 महिला और 343 पुरुष शिक्षकों के पद हैं, जिसमें 14 अक्टूबर को 599 के सापेक्ष कुल 513 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई है। इस दौरान 86 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जिसके संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि काउंसलिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। शेष बचे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 15 अक्टूबर को कराई जाएगी तथा 16 अक्टूबर को सभी सफल अभ्यर्थियों को माननीय मंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएन सिंह ने कहा, करना है विद्यालय बदलो कैसे हो जाए यहाँ कुछ नहीं होगा। कौन सुनते हैं आप? कैसे नहीं आया है सर? कल हो सकता है आना पड़े सर, आ जाएंगे और जैसे जो भी उत्तर है थोड़ा हम नहीं कर 599 लोगों का की सूची आई है। 599 लोगों का चयन होना है, जिसमें 254 महिलाएं और शेष पुरुष हैं, और इनको 14 और 15 काउंसलिंग है, 16 को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम लोग से। काउंसलिंग कब तक चलेगा? काउंसलिंग आज है, अगर आज पूरी हो जाएगी ठीक है, बचे हुए लोगों का 15 तारीख को भी होगी, अगर कोई बच जाता है आता है तो सबकी होगी। नियुक्ति पत्र का वितरण कहाँ करेंगे? नियुक्ति पत्र का वितरण शासन से निर्गत निर्देश के क्रम में NIC में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वहाँ प्रारंभ किया जाएगा, 5 अभ्यर्थियों को देकर के। और हमारे यहाँ भी 5 अभ्यर्थी रहेंगे, माननीय प्रभारी मंत्री रहेंगे, माननीय विधायकगण रहेंगे, उनके द्वारा शेष कार्यक्रम आयोजन करके सर्किट हाउस में और दीक्षा भवन में वितरित किया जाएगा, उसकी कार्य योजना तैयार हो रही है।